अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ हैदरी की मार्केट में और मेरे पीछे जो मॉल है वो है साइमा पारी मॉल। और मैं इधर क्यों आया हूँ वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज है, तो चले इस मॉल के अंदर चलते हैं और आपको बताऊंगा सरप्राइज क्या है मेरे साथ। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि इस साइमा पारी मॉल में एक सरप्राइज मिलेगा, जो सरप्राइज आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो है यहाँ का सरप्राइज इसके टॉप फ्लोर पे फूड कोर्ट में आप मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसका नाम है जॉर्डन रेस्टोरेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइमा पारी मॉल में मौजूद है और यहाँ पर अगर आप खाना खाने के लिए आएंगे तब भी आपको बहुत मजा आएगा। उसके अलावा अगर आप शॉपिंग करने आते हैं इस मॉल के अंदर और शॉपिंग करने के बाद थकने के बाद इधर आके खाना खाएंगे तब भी आपको बहुत मजा आने वाला है। और एक इसकी खास बात मैं और आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आप ये मेरे पीछे लिस्ट देख सकते हैं, ये इनका टुडेज स्पेशल मेन्यू है जो कि हमेशा डेली चेंज होता रहता है। तो चले इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, आपको बताऊंगा यहाँ पर जो हम मंगवाने वाले हैं वो और दूसरे आइटम की क्या प्राइसेस है, साथ में आपको बताऊंगा इसकी फिर से लोकेशन भी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट में इंटर हो चुका हूँ, जॉर्डन रेस्टोरेंट में, और यहाँ का सबसे पहले मैं एम्बियंस के बारे में बोलना चाहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और जो सिटिंग एरिया है वो बहुत अच्छा है। जो एक अच्छा सा फैमिली रेस्टोरेंट होना चाहिए उस टाइप का इन्होंने इसको डेकोरेट भी किया है और सिटिंग एरिया भी उसका उसी टाइप का है। तो चले आप ऐसा करते हैं कि यहाँ की सिटिंग पे हम बैठते हैं और आपको बताऊँगा यहाँ पर मेन्यू में क्या क्या और हम क्या मंगवाने वाले हैं। दोस्तों, इस समय मेरे पास जॉर्डन रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड आ चुका है और इस मेन्यू कार्ड में वैसे तो आपको सभी किस्म के आइटम मिल जाएंगे, जिसमें बहुत ही खास किस्म के स्टार्टर मौजूद हैं, साथ में बारबेक्यू और देसी आइटम जिसमें हांडीज वगैरह सभी मिलते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से कुछ न्यू आइटम भी लॉन्च किए हैं जिसके लिए हम आज आए हैं उनको ट्रेस करने के लिए। तो वो मंगवाएंगे, स्टार्टर में हम मंगवाने वाले हैं इनका ड्रैगन चिकन, बहुत ही ज़बरदस्त होता है और उसको चिकन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है, स्पाइसेस वगैरह भी बहुत अच्छे ऐड किए जाते हैं, तो वो हम स्टार्टर में ऐड करेंगे। और उसके बाद हम मंगवाने वाले हैं मैक्सिकन चिकन रैप, साथ में एक बहुत ही स्पेशल न्यू इन्होंने बर्गर लॉन्च करा है जिसका नाम है कैरेबियन ग्रिल चिकन बर्गर, वो बहुत मज़ेदार होता है। और उसके अलावा इनके स्टेक तो बहुत ही फेमस है, जो भी लोग आते हैं स्टेक मंगवाते हैं, तो हम यहाँ का एक बहुत ही अच्छा सा स्टेक मंगवाने वाले हैं जिसका नाम है मोरक्कन चिकन स्टेक। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय मौजूद हूँ जॉर्डन के किचन एरिया में और ये जो इनका किचन एरिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी साफ सुथरा माहौल है और हाइजीन का भी काफ़ी प्रॉपर ख्याल रखा गया है, तो इसी वजह से इनके खानों का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, सफाई बहुत ज़्यादा है। तो चले अब देखते हैं यहाँ पर यही खाने किस तरह से तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, हम आज गर्मा गर्म सा जॉर्डन रेस्टोरेंट्स के जितने भी फ्रेश और न्यू आइटम हैं वो तैयार होकर आ चुके हैं। और जैसा कि सबसे पहले आपने स्टेक की प्रिपरेशन देखी, बहुत ही ज़बरदस्त और सिजलिंग सा स्टेक है और खुशबू बहुत अच्छी है, इसमें जो स्मोक उड़ रहा है
उसके तो कहने ही क्या, तो चले इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही जबरदस्त और स्मोकी सा ये स्टेक है, बहुत ही खुशबूदार। टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त जायका है इसका। जो इनकी स्टेक की चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से फुली कुक्ड है और ग्रिल करने की वजह से उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर है और अंदर से बहुत मज़ेदार लग रही है और एक स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है। और साथ में जितनी भी वेजिटेबल इन्होंने ऐड करी है, जो इनकी मोरक्कन सॉस है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने जो सुना था कि इनके ऐसे अच्छा होता है, तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त केक का जायका है, लाजवाब। अच्छा स्टेक तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। अब मैं टेस्ट करूँगा ये जो ड्रैगन चिकन है उसको। अच्छा ये स्टार्टर में होता है लेकिन मुझे स्टेक बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा सबसे पहले स्टेक को टेस्ट करूँ क्योंकि बहुत अच्छा सा स्मोकी था। तो अब इस ड्रैगन चिकन को टेस्ट करता हूँ, इसका जायका कैसा। इसमें जो सॉस ऐड करी है और ऊपर से इन्होंने गार्निशिंग करी है तिल की, तो आपस में फ्लेवर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत अच्छा जायका, लाजवाब टेस्ट। बाकी में जो इनका ड्रैगन चिकन है, अगर स्टार्टर में इसको खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा देगा। अच्छा अब ये जो तीसरा आइटम है उसको मैं टेस्ट करूँगा और आपको बताता हूँ इसका जायका कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त था ये चिकन रैप है और जिस तरह से इसको इन्होंने तैयार करा था तो बहुत यम्मी और जायकेदार सा लग रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। भाई जॉर्डन रेस्टोरेंट पे यहाँ के खाने खा गए, वाकई में मज़ा आ गया। सभी डिशेस अपनी जगह बहुत मज़ेदार है, चाहे इनका चिकन स्टेक हो, चाहे ड्रैगन चिकन हो, चाहे इनका ये बर्गर हो जबरदस्त सा, और चाहे ये चिकन रैप हो, सभी का फ्लेवर अपनी अपनी जगह बेस्ट है और टेस्ट के साथ साथ फूड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जितने भी स्पाइसेस वगैरह ऐड करे गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जॉर्डन रेस्टोरेंट पे, जो कि मौजूद है हैदरी के एरिए में साइमा परिमॉल के ऊपर टॉप फ्लोर पे, इधर आके इन खानों को टेस्ट करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि खाना भी बहुत अच्छा है और आप यहाँ पर आके अपने डिनर को भी इंजॉय कर सकते हैं जैसा कि यहाँ का एम्बियंस है उसके लिहाज से। साथ में अगर आप शॉपिंग करने के बाद थक जाए तो हल्का फुल्का खाने का दिल चाहे तो आप वो भी खा सकते हैं। तो भाई मुझे मज़ा आ गया यहाँ पे, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और इनके खाने को ट्राई करें। तो फिर आज के लोग कैसा लगा ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लोग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।